हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने तबाही मचाई है। राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें, वाहन और घर बह गए और कई लोगों की मौत भी हो गई। 48 घंटों में भूस्खलन की 20 बड़ी घटनाएं हुई और अचानक बाढ़ आने की 17 घटनाओं की सूचना मिली। 30 से अधिक घर पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। रावी, व्यास, सतलुज, स्वान और चिनाब समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर है। दौरान मनाली से लेकर मंडी तक ब्यास ने ऐसा तांडव मचाया कि 100 साल पुराने पुल भी बह गए। जी हाँ, हाल ही में हमने ब्यास नदी का रौद्र रूप देखा, जहां नदी उफान पर थी। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर में रविवार को ब्यास नदी का पानी घुस गया। मंदिर की तस्वीर ने केदारनाथ में भीमशिला की याद दिलाई। ब्यास की तेज लहरों के बीच मंदिर को एक भी नुकसान नहीं पहुंचा और वो अड़े खड़ा रह गया। जल प्रलय 10 साल पहले जैसे केदारनाथ आपदा की याद दिला रहा है। सबसे अधिक नुकसान मनाली से लेकर मंडी तक देखा गया। ब्यास नदी के उफान में सब कुछ खत्म हो गया। मनाली से लेकर मंडी तक ऐसा तांडव मचा है कि 100 साल पुराना पुल भी बह गए। इस मंडी से एक ऐसा तस्वीर सामने आई है कि लोग सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। मंडी जिले में मचे हाहाकार के बीच एक बार फिर चमत्कार हुआ। जहां एक तरफ पुल, पहाड़ और बड़े बड़े मकान ढह गए, यह मंदिर केदारनाथ जैसा दिखता है। पानी के बीच यह मंदिर काफी हद तक डूब गया, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। हिमाचल में प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक मंदिर पंचवक्त्र मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिव की प्रतिमा है। पंचमुखी शिव की प्रतिमा के कारण इसे पंचवक्त्र नाम दिया गया।